राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज है भाई दूज, मेरे सभी यूट्यूब भाइयों के लिए आज ढेर सारी शुभकामनाएं भाई दूज की। और सामने होते तो सभी के टीका करती मैं तो, लेकिन मेरी तरफ से यही सोच लेना कि मैंने टीका कर दिया है यहाँ पे। और देखो आज मेरी शुरुआत हो रही है मंदिर से, उधर सब बच्चे बैठे हुए हैं, बाकी सब दीदी वगैरह गंगा जी नहाने गए, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। और अभी मुझे खाना भी तैयार करना है। और फिर से बोलूँगी अपने सभी भाइयों के लिए हैप्पी दूज, जो अच्छे से दूज मनाओ सभी बहनों के साथ में। और मैं नहा के आ चुकी हूँ, नहा ली हूँ मैं, पूजा भी हो गई मेरी, तो पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। अब बनाना है मुझे खाना किचन में चल के, और थोड़ा सा जल्दी हो रही है खाना बनाने की, क्योंकि सब लोग आएंगे उससे पहले मैं खाना तैयार कर लूँगी। और अभी मैंने ना सूट पहन लिया, इसीलिए मैंने कहा काम करूँगी तो बाद में साड़ी चेंज कर लूँगी थोड़ी देर बाद ना, पहले मैं काम कर लेती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं साड़ी चेंज कर लूँगी। तो और चलिए फिर अभी चलते हैं, क्योंकि कई सब्जियां भी बनानी है, और जिसके लिए ना थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी है मैंने। जैसे पनीर है ना, तो पनीर में वो जो भून के रखती हूँ मसाला वगैरह, वो मैंने कर दिए हैं, क्योंकि वो ठंडा तब भी हो जाएगा तो इसलिए। और टमाटर पीस के रख दिए हैं, तो अब मैं बाकी तैयारी करती हूँ, खाना वाना बना के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए आज यहाँ से शुरुआत हो रही है मेरी, तो चलिए मैं चलती हूँ फिर जल्दी जल्दी ना किचन में। तो किचन में काम मेरा हो गया है कंप्लीट, सब्जी वगैरह बन गई है, और मुझे लगता है आवाज़ भी आ रही है बाहर, दीदी वगैरह आ गई हैं शायद। तो सब्जी वगैरह मैंने बना दी इतनी देर में ना, एक घंटे में हो गया काम, एक घंटे में वो लोग आए, और तब तक मुझे बाहर ना आवाज़ आ रही है उनकी। तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने बैक कैमरे से क्या क्या बनाया है। बनाया है मैंने शाही पनीर बनाया है यहाँ पर, ये बनाया है मैंने शाही पनीर। और इसमें अभी धनिया पत्ती नहीं डाली है, क्योंकि कट करके रखी है धो के मैंने, तो इसको भी डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा ना। और इधर बनाया मैंने रायता, तो इसमें भी तड़का लगा के छोड़ दिया मैंने, अभी मिक्स करूँगी इसको, और इसको भी रखती जाती हूँ। और इधर बनाई है मैंने गोभी आलू टमाटर, तो ये सब्जी बनाई है। और बाकी इधर बनाए मैंने छोले, तो छोले बनाए हैं। और आटा भी लगा लिया मैंने, आटा भी लगा के रख दिया, बाकी पूड़ियाँ सेकने के लिए रह गई हैं, तो पूड़ियाँ तभी सेकेंगी जबकि खाने लगेंगे। और देखूँगी अगर किसी को चावल खाने होंगे तो चावल बना लूँगी। तो ये सब्जियाँ बनाई हैं मैंने, और इनमें भी धनिया पत्ती, तो इनमें भी डालनी है मुझे सब में। मैंने ना धो के कट करके ऐसे ही रख दी थी अभी, तो ये भी डाल देती हूँ मैं सब में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ना सभी में डालूँगी ऊपर से ना। गोभी मैं तो थोड़ी सी वैसे भी डाल दी थी मैंने, अब थोड़ी सी ना ऊपर से भी डाल देती हूँ इस तरीके से, अच्छी लगती है ना सब्जी। और ये सब्जी रख दूँगी यहाँ पे, ये शाही पनीर है, मटर पनीर बोल गई थी मैं पहले, तो यहाँ पे ये शाही पनीर बनाया है मैंने। तो इसके लिए मसाला वगैरह ना मैं पहले ही नहाने से पहले तैयार कर दिया था मैंने, क्योंकि ये टाइम लगता है इसको ठंडा होने में, तो बाद में पिसता है ना ये, तो इसलिए ना मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था। और सब्जियाँ हाँ मेरी बन चुकी हैं, काम रेडी हो चुका है, अब होंगी मैं तैयार। तो अब मैं साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि मुझे भैया देखा आप लोगों ने, सब्जी वगैरह मेरी सब तैयार हो गई हैं, आटा भी लगा दिया, और वो लोग आ भी चुके हैं, बाहर है किचन में नहीं है, लेकिन रूम में आवाज़ आ रही है दीदी की। और बाकी मैंने तैयारी कर दी है, और अब ना देखो मैंने सूटी डाल रखा है, और अब मैं जाऊंगी साड़ी चेंज करने के लिए, अब मैं साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि मुझे भैया के घर भी जाना है, और तो और भैया के घर ना ज़रूरी जाना है, क्योंकि इस बार ना छोटा त्यौहार है वहाँ पे, तो
इसलिए जाना होगा मुझे, नहीं तो भाभी ना आ जाती हैं यहाँ पे, जैसे दीदी वगैरह आती हैं ना तो भाभी आ जाती हैं, फिर भाभी भैया आ जाती हैं कोई ना कोई बच्चे को लेके या फिर भैया के साथ आ जाती हैं वो टीका वीका कराने के लिए घर पे। लेकिन इस बार नहीं आएंगी वो, इस बार मुझे जाना पड़ेगा, जैसे कि मैं राखी पे भी गई थी, रक्षाबंधन पे भी, और इस बार अभी दौज पे भी जाऊंगी, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ जाऊंगी, तो हो सकता है मैं कभी खाना बना के जाऊं या आकर बनाऊं। तो ये मैंने उनसे बोल दिया है कि मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि दीदी आई हुई है तो वही काम में लगेंगी, तो फिर वो भी नहीं करती, जिद नहीं करती, उन्हें पता है कि भाई खाना वाना बनाएंगी तो वही टाइम तो लगता ही है सब चीज़ों में ना, तो सबको देना भी होता है, सेकना भी होगा, क्योंकि बना तो दिया है मैंने, रेडी कर दिया है सब कुछ, और तो फिर खाना वाना, फिर ना मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ अब जाके ना। और मैं तैयार हो चुकी हूँ, और देखिए मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, बताना मुझे कमेंट करके मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, और ये प्रिया कर रही है अपने भाइयों का टीका, और सब भाई बैठे हैं मिठाई के चक्कर में, टीका करवा के मिठाई खानी है उनको। सबको हैप्पी भाई दूज, सबको सब खूब मौज करें, खूब मस्ती करें, खूब मिठाई खाएं, खूब सारी मिठाई खाएं, हमारी भाभी का चैनल खूब तरक्की करें, सपोर्ट कीजिए आप लोग। हम लोग आ चुके हैं, अभी खाना वाना हो गया है, जैसे कि मैंने बताया था भैया के घर गए थे, और भैया के घर वहाँ टीका वीका करके आए, दीदी भी गई थी, दीदी जीजाजी भी वहाँ घूम के आए भैया के घर पे ना, और ये लोग सुबह गंगा जी गए थे, हमने चाट खाई वहाँ पे, बहुत मजे किए, बहुत दिन बाद गंगा जी के दर्शन, और हम गंगा जी नहीं गए थे तो बुआ जी हमारे लिए भी चाट लेकर आई थी, मम्मी और मेरे लिए, और बुआ जी ने भी नहीं खाई थी क्योंकि बुआ जी टीका नहीं किया था तो उससे पहले खाते नहीं है हमारे यहाँ पे, तो बुआ जी ने भी नहीं खाया था, तो बुआ जी भी अपने लिए लाई थी और हम सबके लिए भी लाई थी, तो गंगा जी की चाट कैसी लगी प्रिया? बहुत अच्छी, मस्त एकदम, और बहुत टेस्टी खाना बनाया,
बनाया भाभी ने, बहुत एंजॉय किया हमने, खूब खाना खा लिया अब तो। मैंने घर पे ना खाने की तैयारी कर ली थी, दीदी बोल रही थी चलो गंगा जी, मैंने कहा अगर गंगा जी जाऊंगी तो ये काम रह जाएगा, तो इसलिए ना घर का काम जरूरी है पहले। तो गंगा तो कभी भी चले, मार्केट भी गए थे, मार्केट मतलब मामा के घर पे गए थे ना, तो फिर वहाँ से वापस में आते हुए थोड़ा बहुत ऐसी शॉपिंग वगैरह खरीदी हमने। तो बुआ जी आई है, बहुत अच्छा लग रहा है, और इस बार छोटी वाली बुआ जी नहीं आई है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और छोटी वाली बुआ जी अगर वीडियो देख रही है तो हम आपसे नाराज हैं कि आप नहीं आए इस बार, और आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो आप अपना ध्यान रखें, दवाई वगैरह लें टाइम से। नहीं सबको नेक्स्ट टाइम हम एक एक बार आना चाहिए ना सब, पिछली बार रक्षाबंधन जाती है नहीं, अरे वही काम होता है, लेकिन सब आते हैं तो अच्छा लगता है एक साथ में ना, अच्छा लगता है। रक्षाबंधन पे ये वाली बुआ जी नहीं आई थी, और दौज पे अब वो वाली बुआ जी नहीं आई। तो सब लोग होते हैं ना तो एक साथ अच्छा सा लगता है सबके साथ में, और खूब शॉपिंग भी करके आई है दीदी, तो इस तरीके से। और बाकी हम बैठे हुए हैं अभी, खाना वाना खा के वहाँ से आके खाना खाया, क्योंकि वहाँ भाभी के घर चाय वाय पी के आए थे, खाना वहाँ भी तैयार था, करके आए थे वहाँ, अच्छे से खिला दिया उन्होंने। फिर वहाँ खाना तो तैयार था उनका भी, लेकिन फिर यहाँ भी मैं तैयार करके गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो घर से आ रहे हैं खा ही रहे हैं। कहीं नहीं, और पता है आज ना जाने के लिए बोल रही थी अभी जाना है, और जीजाजी बोल रहे थे शाम को जाना है, लेकिन हम लोग नहीं जाने देंगे बिल्कुल भी, अभी आप यही बोलो कि अब जाओगे नहीं शाम को। नहीं जाने देंगे आज, क्योंकि अब देखो कल संडे है, तो संडे को आराम से जाके फिर रेस्ट भी हो जाएगा, मंडे से अपना जॉब वगैरह जाना जहाँ भी जैसे भी, क्योंकि मंडे से ही काम होते हैं सबके, संडे को तो छुट्टी रहती है, तो फिर कल जाएंगे। और वैसे भी साल में एक बार टाइम मिलता है दीदी को दिवाली पे, रक्षाबंधन पे ऐसा कभी कभी आ जाती है, नहीं नहीं आती। छोटी वाली दीदी रक्षाबंधन पे आई थी, इस बार उनकी ना तबीयत ख़राब है इसलिए उनका कैंसिल हो गया, नहीं तो वो आने वाली थी। और प्रिया नाराज हो रही है कि बुआ जी नहीं आई हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगी वो। तो और दीदी कुछ बोल लीजिए सबसे। चलो तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। और अभी शाम हो चुकी है, और मैंने सूट भी चेंज कर लिया, जैसे कि जो सुबह पहना था ना वही सूट डाल लिया, मैंने कहा अब रात में क्या, क्योंकि रात में सूट ही ठीक रहता है, फिर काम वाम करने में भी आसानी रहती है, अभी खाना वाना भी बनेगा तो थोड़ा सा फ्री से हो जाते हैं फिर थोड़ी। और सुबह साड़ी पहनी हुई थी, आप लोगों ने देख ली मेरी साड़ी, तो इसी तरीके से बाकी सुबह का भैया के घर गई थी मैं, जैसे कि मैंने बताया पहले भी बता चुकी, भैया के घर गई थी, और वही सब हम सब लोगों ने गप्पे मारी खूब बैठ के ना, अभी चाय वाय पी रहे थे यहाँ पे बैठ के, तो अभी दीदी और जीजाजी वहाँ मम्मी बाबूजी के पास बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलिए मैं अपनी वीडियो का एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह से मेरी फिर बात ही नहीं हो पा रही, तो मैंने कहा फिर लग जाऊँगी मैं खाना वाना बनाने में, तो मैंने कहा फिर वीडियो का एंड कर देती हूँ। और बच्चे लगे हुए हैं अपना मस्ती कर रहे हैं एक दो दिन, और जा रहे थे तो हम लोगों ने जाने नहीं दिया, मैंने कहा एक दिन और क्योंकि संडे है कल आराम से चले जाना, तो इस तरीके से। और देखो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी बाहर हंसने की ना, सब वही हंसी वसी चलती रहती है बच्चों की आपस में सब लोग। और अभी ना वीडियो में आने में थोड़ा सा लगता है ना, बच्चों को भी आने में अजीब सा लगता है, बच्चे भी नहीं आना चाहते अभी, आएंगे धीरे धीरे अभी नहीं, और अभी उनका मन नहीं होता तो मैं ज़्यादा वो भी नहीं करती। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी, और मिलूँगी आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और कमेंट ज़रूर करा करिए, और आप लोगों को मेरी फैमिली कैसी लग रही है बताना ज़रूर कमेंट करके। तो चलिए फिर, बाय बाय।